अब सिस्टम कुछ यूं था कि हम टेक ऑफ के बाद हम जाते थे नॉर्थ ऑफ लेबनान की तरफ, नॉर्थ ऑफ लेबनान से हम हेड करते थे थोड़ा वेस्ट की तरफ, फिर साउथ आते थे फ्लाइंग ओवर बेरूत, मेडिटेरेनियन सी कमिंग साउथ, देन वी विल टर्न लेफ्ट इसराइल के शुमाल में तकरीबन कोई 5-10 किलोमीटर के फासले पर, वहां से हम टर्न करते थे वापस और फिर अपने बेस की तरफ आते थे। अब ये जो पूरा चक्कर था दिस वुड लास्ट से हाफ एन आवर, एंड जहाज में पेट्रोल ही इतना था, MiG-21 जो जहाज हम उड़ा रहे थे उसकी फ्यूल कैपेसिटी बहुत कम थी, तो इससे ज्यादा की सॉर्टी उड़ ही नहीं सकता था, तो वी हैड टू कम बैक। तो कई दफा ऐसे हुआ कि अब इसराइलियों की अभी वी हैड मैनी नियर एंगेजमेंट्स बट इंस्टेंट डिसएंगेजमेंट, क्योंकि इसराइलीज उस वक्त एंगेज करना चाहते थे जब उनके लिए विनिंग टर्म्स हों, अदरवाइज वो एंगेज नहीं करते थे। अगर कहीं उनको ऐसा महसूस होता थोड़ा भी कि उनको एडवांटेजियस पोजीशन नहीं है, वो डिसएंगेज कर जाते थे। अच्छा, हमारे लिए ये पोजीशन हालात बहुत मुश्किल यूं थे कि हर रोज या हर आए रोज कह लें, हर रोज तो नहीं, हर आए रोज ये चीज रिपीट होती थी। अब आप खुद सोचें, हम सुबह जाते थे सनराइज से आधा घंटा पहले कॉकपिट में और सनसेट के आधा घंटा बाद कॉकपिट से निकलते थे हर रोज, और ये 7 महीने तक रहा हर रोज। टेंशन बिल्डअप, किस रोज क्या होना है नहीं होना है कुछ पता नहीं है। एंड एवरी टाइम जब भी कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती थी, इजराइलीज स्टार्टेड इट फ्रॉम एन एडवांटेजियस पोजीशन एंड फ्रॉम द ऑफेंसिव, तो हम हमेशा डिसएडवांटेज पोजीशन में थे, हमारे जहाज इंफीरियर, हमारे बाकी मसले अपनी जगह पर सारे। और जब भी कोई नियर एंगेजमेंट होती थी, रेडियो और रेडार यूज टू बी जैम्ड, इजराइलीज हैड ए जैमर ऑन टॉप ऑफ माउंट हर्मन, वहां से माउंट हर्मन पे रेडियो जैमर्स भी थे, तो पे कम्युनिकेशन कैसे आपकी होती थी? नहीं होती थी, तो फ्लाई कैसे करते थे? यही तो कमाल है, यही तो कमाल है। हमने पहले मैं थोड़ी सी ये बात आपको बता दूं, हमने ये डिटरमिन किया इन सब जब ये वाकयात हो रहे थे कि इसराइलियों का एक एम है कि किसी एक पाकिस्तानी पायलट को एयर कॉम्बैट में मार लें। हमने आपस में बड़ी ये डिस्कशंस की कि यार ये सिचुएशन बड़ी गलत है, अगर इन्होंने किसी एक बंदे को मार लिया तो मामला ठप है। कैसे? इसमें 3-4 बातें हैं। नंबर वन, उस पायलट के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा, अगर वो बच गया तो वो तो ही विल बी एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड। नंबर दो, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बदनामी होगी। नंबर तीन, पाकिस्तान के लिए बदनामी होगी, क्योंकि ये कवर्ट ऑपरेशन था, खुफिया ऑपरेशन था। मतलब वो तो अनाउंस करते ना कि पाकिस्तानी पायलट है, हमने ये किया, हमने ऐसे मार लिया उसको एयर कॉम्बैट में, एंड इट वुड हैव बीन स्प्लैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, बदनामी तो हो जाती ना। और चौथी चीज ये होती कि दुनिया में एक दफा फिर कहते कि इजरायली एयरफोर्स कोई इसे हरा नहीं सकता, कोई इसे मार नहीं सकता, ये होता ना। तो हमने कहा कि जो मर्जी हो जाए, हमने एक चीज नहीं होने देनी कि इसराइली हमें एयर कॉम्बैट में शूट डाउन नहीं करेगा, हम हर वक्त चीज करने को तैयार है, ये नहीं होने देंगे। 24 अप्रैल 1976 को क्या हुआ? वी गॉट एयरबोर्न एज यूजुअल, सायरन बजा, हम लोग एयरबोर्न हो गए 26 अप्रैल एयरबोर्न हो गए, एंड वी प्रोसीडेड इसी ट्रैक पे जैसे मैं आपको कह रहा था। तो जब हम अपना पूरा चक्कर लगा के वी वर हेडिंग बैक बेस की तरफ वापस आ रहे थे, पेट्रोल हमारा लो था, तो रेडार ने कॉल दी कि बोगी, हम कहते हैं एनिमी एयरक्राफ्ट को, उसने कहा कि जी 4 बोगीज, 6 o'clock 4 बोगीज लेफ्ट, 9 o'clock और अप्रोचिंग फास्ट क्लोजिंग। अब ये था कि अब दो चीजें हैं, हमारे पास पेट्रोल खत्म हो रहा है, वी मस्ट रिटर्न टू बेस, एंड द एनिमी इज क्लोजिंग इन वेरी फास्ट, टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस यू हैव टू टेक इवेसिव एक्शन।
तो हमारा जो फॉर्मेशन लीडर था उसने इवेसिव एक्शन ऑर्डर किया, विच वॉज अ टर्न अबाउट। जब हम टर्न अबाउट कर रहे थे तो एंड आई वॉज एडजस्टिंग माई पोजिशन इन दी करेक्ट प्लेस, तो मुझे जैसे वो मेटल की एक चमक नहीं पड़ती शीशे में से, वो नीचे से नजर आए जो वहां पे नहीं होनी चाहिए थी। एंड आई कुड नॉट लेट इट गो, क्योंकि चमक हवा में जब आपको नजर आती है यूजुअली इट इज एन एरोप्लेन। तो आई टर्न टू सी, और जब मैंने टर्न किया तो मैंने देखा कि इट वॉज ए मिराज एयरक्राफ्ट, इट वॉज कमिंग स्ट्रेट हेडिंग फॉर मी। तो आई टुक द इवेसिव एक्शन जो करना होता है, आई मेड हिम ओवरशूट। वंस ही ओवरशॉट आई फाउंड अनदर मिराज ऑल्सो कमिंग बिहाइंड हिम, देयर वर टू ऑफ देम। दूसरा मिराज आया, उसने भी ओवरशूट कर लिया। आप अकेले थे और ये दो जहाज थे। हाँ, अब क्योंकि मेरी फॉर्मेशन तो 180 डिग्री टर्न कर गई थी, और जब रेडार ने हमें कॉल दी कि ऐसे एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, उसके बाद रेडियो और रेडार जैम हो गए। अब मैं अपनी फॉर्मेशन को नहीं बता सकता कि क्या हो रहा है, यहाँ कम्युनिकेशन नहीं है। तो फॉर्मेशन मेरी, एंड वी वर फ्लाइंग समवेयर मार्क 1.2 अबाउट दैट स्पीड, क्लोज टू दैट स्पीड। तो आई थिंक इन अबाउट 10 सेकंड वी वर माइल्स अपार्ट। तो जब ये इसराइली नंबर टू जब इसने मुझे ओवरशूट किया, तो आई रिवर्स्ड, एक हमारी टर्मिनोलॉजी में होता है रिवर्सल, आई डिड दैट। उसको मैंने हवा में खड़ा कर दिया तकरीबन, ही ओवरशॉट मी। जहाज को हवा में खड़ा कर दिया कैसे, क्या मतलब? मतलब क्या, आई रिड्यूस द स्पीड टू जीरो। द मिराज शुड, अब ये एक बड़ी जरूरी चीज होती है कि बंदे को अपने जहाज की कैपेबिलिटी का पूरा अंदाजा होना चाहिए और दुश्मन के जहाज की भी। अब मिराज हाई स्पीड पे बहुत अच्छा है, स्लो स्पीड पे इट इज बैड। मिराज जो कि इजरायलीज के थे, जो इजरायली के थे, नॉर्मली व्हाट नंबर टू शुड हैव डन एज आई एक्सपेक्टेड वाज कि ही विल ओवरशूट एंड ये ऊपर जाके दोबारा दे विल बोथ रीग्रुप एंड अटैक मी अगेन, बट नंबर टू डिसाइडेड टू एंगेज मी इन क्लोज कॉम्बैट। मिराज मिग 21 के साथ क्लोज कॉम्बैट में मुकाबला नहीं कर सकता, ये जहाज की लिमिटेशन है, नहीं कर सकता। ही डिड, एंड नेचुरली आफ्टर सेकेंड रिवर्सल ही वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, आई वॉज रेडी टू शूट हिम। व्हाइल आई एम डूइंग दिस, अब उसे पता लग गया, समझ गया कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसने ही पुट हिज नोज डाउन इन टू ए स्टीप डाइव ट्राइंग टू एक्सेलरेट अवे, एंड दैट मेड माई जॉब इजियर। जब एक्सेलरेशन उसने की, थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, I got the tone of the missile. I was carrying a Russian missile. I fired the missile, और missile जा ही नहीं रहा। क्या मतलब, आपने फायर कर दिया? फायर कर दिया, missile नहीं जा रहा। अब मैं परेशान हूं, बट इन फैक्ट द मिसाइल फायर्ड, बट मिसाइल टुक 1 second, बिकॉज इट इज सपोज टू टेक 1 second, बट दैट 1 second I have pressed a trigger and that 1 second is not passing. It was ages long, that 1 second. Finally, the missile left. It went and then I had to wait. Ki missile usse lagta hai ya nahi? Because if it does not hit and I turn towards the other mirage, ye mere peeche aa jayega. So I had to wait to see that he gets hit. So when he was hit and he exploded in the air, I turned towards the leader. He was coming in to attack me from the other side. He came and we met head on, but luckily for me, he maintained his direction. He was headed towards Israel. He went low and exited. And thank God for that, because मेरे पास तो पेट्रोल नहीं था। यानी फ्यूल खत्म हो गया था जहाज। फ्यूल मेरे पास, आप कह लें कि I was on vapors, hardly any fuel. तो I also hit low level supersonic and ran back for the base because I had no fuel to engage another aircraft. Balki pehli ki engagement bhi when we started, if you remember, as I said earlier, hamare paas fuel already kam tha, aadhe ghante ka fuel hota tha, aadhe ghante ka to total sortie ka tha na, aur hum wapas aa rahe the 20 minute flying karke wapas aa rahe the,
और अगर उस वक्त आपको एंगेज कर लेता दूसरा इजरायली जहाज तो आई वुड हैव फ्लेम्ड आउट एंड आई हैड टू इजेक्ट. यही तो मैं कह रहा हूं. उन्होंने कितने टाइम इस सारे वाक्य में लगा ये फाइट? एयर फाइट कितनी देर की थी? एरियल फाइट आई शुड से कोई एक सेकंड. आपको इतना लंबा लगा? मेरा ख्याल है 30 seconds टू 1 मिनट टोटल फाइट. 30 seconds 1 मिनट भी नहीं, उससे बहुत कम. 30 seconds closer to 30.